पिंपले गोरो में मयूर नगरी के पास दो युवकों ने दहशत फैलाने के लिए 14 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे उन्हें घटनास्थल पर ले जाया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शशिकांत दादाराव बंसोड़े और प्रथमेश अरुण इंगले के रूप में हुई है। पिंपले गौरव और नवीस तांगवी में दहशत फैलाने के लिए दो युवकों ने 14 वाहनों में तोड़फोड़ की। साथ ही पता नहीं बताने पर युवक को कोयते से वार कर जान से मारने की कोशिश की। घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे की है। सांगवी पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 4-5 दिन पहले पिंपल गौरव में मयूर नगरी हाउसिंग सोसाइटी के पास लाला पाटिल और उसके साथियों द्वारा दो लोगों पर जानलेवा हमला करने की घटना हुई थी। इस घटना का बदला लेने के लिए आरोपी बंसोड़े और इंगले सुबह करीब 4 बजे लाला पाटिल की तलाश कर रहे थे। इस समय जब राजेश घर के बाहर खड़ा था तो आरोपी ने उससे लाला पाटिल का पता पूछा, लेकिन पता नहीं बताने और कार का शीशा तोड़ते देख लेने के कारण आरोपी ने राजेश पर वार कर उसे मारने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी बंसोड़े और इंगले मयूर नगरी की ओर चले गए। रास्ते में सड़क पर देखी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। साथ ही आरोपी हथियार को हवा में घुमाकर दहशत फैला रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही सांगवी पुलिस मौके पर पहुंची। सांगवी पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।